बेसिकली मेरे एक्शंस की वजह से जो पूरा कहानी है वो प्ले आउट होता है. तो एक पाली जो है एक छोटा सा लड़का. अखिल हमें बताइए कि आपकी बॉलीवुड जर्नी कहाँ से चालू हुई. हमें पता चला कि आप पहले डायरेक्शन में थे एंड नाउ यू आर बिकमिंग एन एक्टर. मैं डायरेक्शन में नहीं था, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था जो काफ़ी कई न्यूकमर्स जो एक्टर्स हैं कर चुके हैं ऑलरेडी. क्योंकि उसके साथ क्या होता है कि यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ फिल्म सेट वर्क्स, प्रोडक्शन कैसे चलता है, सेट पे क्या होता है, एक्टर को क्या करना पड़ता है. बीइंग ऑन द एनवायरनमेंट, बीइंग अराउंड दैट एनवायरनमेंट एंड बीइंग पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट यू लर्न अ लॉट. एंड फॉर अ न्यूकमर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंफर्टेबल विद योर सराउंडिंग्स बिफोर यू गो इन देयर एंड यू फेस दैट बिग बैड वर्ल्ड. यू शुड बी कंफर्टेबल विद इट. Should know what it's all about. अच्छा अखिल, हमें ये भी पता चला है कि आप बम्बई से बिलोंग, मींस इंडिया से बिलोंग नहीं करते, आप दुबई से आए हो, आप NRI हो जी, और आपने कोई क्लासेस एक्टिंग की और ये सब की हुई है. तो कैन यू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स दैट व्हाट वाज द जर्नी बिफोर यू गॉट इनटू दिस रोल ऑफ डीसी कट्टे. तो जी, मैं दुबई का हूँ. दुबई, आई वॉज बॉर्न इन दुबई, रेज्ड इन दुबई. दुबई में मैंने पढ़ाई किया है हाई स्कूल तक. उसके बाद मैं गया था न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में मैं फिल्म मेकिंग और एक्टिंग की पढ़ाई कर रहा था और वो दो ढाई साल के लिए किया था. उसके बाद मैं बॉम्बे आया था, असिस्ट कर रहा था. जोया अख्तर की प्रोडक्शन थी हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड विच वॉज डायरेक्टेड बाई रीमा काकटी. दैट वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वेर आई वॉज एन असिस्टेंट. बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. वहाँ से मैं आगे गया, मैं काफ़ी फिल्म सेट्स पे गया था. उसके बाद डायरेक्टर्स के साथ बैठा था, अब्बास मस्तान जी के साथ मैं बैठा था काफ़ी देर के लिए रेस पे उनके साथ. उनसे मैंने काफ़ी सीखा था. उसके बाद मैं बहुत कुछ कर रहा था. मैं एक्टिंग क्लासेस भी कर रहा था, बहुत कुछ जो भी करना पड़ता है मैंने सब कुछ किया था. और अभी डू माई फर्स्ट फिल्म, आई जस्ट फिनिश्ड इट. अच्छा सर, हमें ये भी पता चला है कि विनोद जी के आप नेव्यू हैं और आपका ये इंट्रोडक्शन फिल्म है जी. विनोद जी ने जब भी आपका पहला प्रोमो देखा था उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत ही खुश थे बिकॉज ही ऑब्वियसली फादर फिगर है हमारे. तो ही सॉ माई ट्रेलर आई रिमेम्बर एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही वॉज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी. ही सेड दैट यू मेड अस हैप्पी, मेड द फैमिली प्राउड एंड बेस्ट ऑफ लक. आई थिंक यू लुकिंग रियली गुड एंड आई एम वेरी प्राउड. So that's all, and that itself was encouraging for me. Or I'm feeling more confident, and everyone seems to like my work so far. जिन्होंने film देखा है, उनको बहुत पसंद आया. I'm just hoping for the best, and I'm wishing for the best. अकेला अगर देसी कट्टे की बात करें तो इसमें किस तरह का किरदार होगा? Gangster. मैं gangster हूँ film में. एक दोस्त हूँ, एक lover हूँ, but actually I'm a gangster. खतरनाक सा किरदार है. पाली है नाम किरदार का. वो कानपुर का एक छोटे गांव का लड़का है जिसका सपना था कि वो एक दिन जज साहब जैसे बने, जो आशुतोष राणा का किरदार है. और मुझे बचपन से हम दोनों, जय भानुशाली का जो किरदार है ज्ञानी और मेरा जो है पाली, हम दोनों का ये एक ही सपना था कि हम दोनों गैंगस्टर बने, हम दोनों अपराध जगत में राज करके हम पूरा इंडिया में मशहूर, दुनिया में मशहूर हो जाए. तो वही मेरा ब्रीफिंग था एक्चुअली कैरेक्टर का. और जब कैरेक्टर का जो जर्नी होता है वो गैंगस्टर बन जाता है और जय एक अच्छे रास्ते पे चला जाता है, मैं एक थोड़ा सा टेढ़े रास्ते पे चला जाता हूँ. और वो जो जर्नी है मेरा, कैसे मैं गैंगस्टर बनता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे जो लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं क्यों आते हैं, और मेरे हम दोनों के दोस्ती के बीच में दो जो दरार आता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी है. और कैसे वो मेरा कैरेक्टर का जर्नी पूरा कहानी को डिफाइन करता है. सो बेसिकली मेरे एक्शंस की वजह से जो पूरा कहानी है वो प्ले आउट होता है. तो एक पाली जो है, एक छोटा सा लड़का जो बड़ा गैंगस्टर बन जाता है बड़े सपने के साथ, वो करता क्या है इसके साथ, वो एक्चुअली गैंगस्टर बन जाता है कि वो कुछ अच्छा करता है, वो देखना पड़ेगा आपको. अच्छा, देसी कट्टे की बात करें तो किस तरह से आपने कट्टे का चलाना सीखा? हमने सुना था कि आप कोई कट्टे की स्कूल में भी गए थे क्या? जी, कट्टे की फैक्ट्री में गए थे हम कानपुर में. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि क्या है ना, वहाँ हर बच्चा बनना चाहता है. एक एक छोटा सा जगह है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं इंडिया में जहाँ बच्चों को पता नहीं है कि यार और क्या करना चाहिए, यही है, यही हमारी ज़िंदगी है और हम यही करना चाहेंगे और हमें यही करना है और हम करेंगे. तो क्या है ना कि हमने देख के उनके साथ बैठ के खाना खा के बैठ के ये वो सब कुछ करके
पता चला कि यार ये लाइफ क्या होता है. बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसे फर्स्ट फिल्म में किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता. और इट वॉज गुड. उसके बाद कट्टो का ही ट्रेनिंग किया, बट एक्चुअली गन शूटिंग का ट्रेनिंग किया, क्योंकि ये फिल्म स्पोर्ट शूटिंग बेस्ड है. तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग करना पड़ा. जो प्रीतपाल सिंह बेदी जी हैं दिल्ली के, वो हमारे नेशनल कोच है. वो आके हमारे पूरा ट्रेनिंग का सुपरवाइज़र, ही वॉज अ सुपरवाइज़र फॉर आवर ट्रेनिंग. और मैं ऑलरेडी ट्रेन टू गन फाइटिंग में, शूटिंग में, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ. तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिला. और इट वॉज़ इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आया ये सब करके. बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपीरियंस था. और इसके बाद एक्चुअली मुझे ये समझ में आया कि एज अ स्पॉट शूटिंग बहुत ही अंडर, इट्स अ बिग अंडरडॉग स्पॉट, मतलब अंडर रेटेड स्पॉट आई वुड से. लोग इतना बात नहीं करते शूटिंग के बारे में. और अभी पीपल लाइक अभिनव बिंद्रा और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में लोग इतना, मतलब परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ है इंडिया का, कि अभी आई थिंक इट शुड बी प्रमोटेड. लॉट्स ऑफ स्पॉट्स लाइक शूटिंग विच आर सो बिग एक्चुअली, बट पीपल डोंट नो अबाउट इट. आई थिंक ये सबको, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो स्पॉटिंग अथॉरिटीज़ है, आई थिंक दे नीड टू स्टार्ट पुशिंग पीपल, आई थिंक दे स्टार्ट पुशिंग सच टैलेंट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे देश में वी गॉट ओवर बिलियन पॉपुलेशन, उसमें से वी कैन गेट द बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड इफ आई फील दैट आर स्पोर्ट्स अथॉरिटीज एंड दीज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुश एक्चुअली स्टार्ट फोकसिंग ऑन मोर देन जस्ट वन स्पॉट or two sports. There are lots of talent in our country, and I think that it needs to be exposed, and I think that it needs to be pushed. I am so grateful to the shooting board in India, the rifle shooting board, the sports clubs over here that promote shooting, kyunki mujhe completely different perspective diya gaya hai abhi ye sport pe, and it's such an interesting sport. Itna mushkil sport hai, log jante nahi hai, log sochte hai ki bahut easy hai, sare kar sakte hai, but nahi. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट. हार्ट बीट के पल्स के बीच में शूट करना पड़ता है, ताकि वो छोटा सा वाइब्रेशन जो हार्ट बीट से होता है ना, उससे भी निशाना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट. इतना मेडिटेशन, इतना ट्रेनिंग, इतना फोकस जाता है इसमें, और लोग इसे सीरियसली लेते नहीं है. लोग शूटिंग ये वो, इट्स नॉट, इट्स अ ग्रेट स्पॉट, एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू स्टार्ट प्रमोटिंग. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द बोर्ड फॉर हेल्पिंग अस promote them and letting us promote them and giving us this opportunity to be with such amazing athletes. And I wish you guys all the best, and I hope India does even better in shooting and gets even more golds and even more silvers and even more bronze medals in some of the biggest events in the world. And I'm there backing you, and I will be there backing you for the rest of my life. अच्छा, आपकी पहली फिल्म है वो भी सुनील शेट्टी के साथ, तो जी कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस? काफी बड़ी बात होती है इन बड़े एक्टर्स के साथ काम करने की, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा. मैं इतना ग्रेटफुल हूँ अन्ना से कि आई हैव नो वर्ड्स, बिकॉज ही इज़ बिन सच एन अमेजिंग हेल्प. इतना मदद, इतना सपोर्ट, इतना इनकरेजमेंट, इतना पुश कोई देता नहीं है, यू नो, सो ईजिली. और अन्ना का क्या है, ही इज़ सो ट्रांसपेरेंट, इज़ अ हम्बल मैन. इतने बड़े स्टार हो के भी इतने हम्बल है और इतने सेल्फलेस है, नो ईगो, एंड इट वॉज the best experience for me, and I can't thank him enough. Thank you sir, thank you so much for being such a great support. And main aapka bahut bada fan hu pehle se hi, jo aap jante hain already. And action mora mein aur unke jo filme purane filme jo hai, I was been watching them since a child, aur dekh ke main bhi socha tha ki yaar main bhi aise fight karunga, main bhi martial artist hu, ek din mujhe bhi aisa kuch chance milega. और फाइनली फर्स्ट फिल्म में यही हुआ यार, आई गॉट टू वर्क विद अन्ना और उनको फाइट करते हुए देखा. एक्चुअली इट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत सीखा उनसे. अच्छा, आखिर में देसी कट्टे ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए? बिकॉज इट इज़ अ रियल स्टोरी, स्टाइलाइज्ड है थोड़ा सा, वो फिल्मी है, बट द जो फ्लेवर है कहानी की बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही इमोशनल है. दो दोस्तों की कहानी है, इट्स अ स्पोर्टिंग फिल्म एट द सेम टाइम, गैंगस्टर एलिमेंट भी है इसमें. बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू लव लाइफ एंड यू लव पीपल, देन यू विल वॉच दिस फिल्म, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट इमोशन, सेंटिमेंट्स एंड कनेक्शंस. और इट्स अ इंटरेस्टिंग जर्नी, एंड इट्स माई फर्स्ट फिल्म, तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे देखें. और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जय का, जो मेरा को-स्टार है, जो इज़ विद मी इन द फिल्म, एंड वी बोथ वर्क रियली हार्ड. And I wish you watch this film. 26 September ko release hone wala hai, and please watch it, nahi to main aaunga aapke piche. Thank you.
Why did I choose this subject? Subject बहुत interesting था, इसलिए choose किया मैंने. और दिमाग में हमेशा ये होता था कि ऐसी कोई फिल्म से मैं अपना production house शुरू करूँगा, जहाँ पे वो कोई दोस्ती की कोई ऐसी दास्तान हो, बड़ी खूबसूरत. तो ऐसा एक अच्छा subject मिला, तो इसलिए मैंने choose किया. सर मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, मान सिंह तोमर के बाद अब हमें पता चला है कि आपकी फिल्म इज बेस्ड ऑन शूटिंग स्पोर्ट्स. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट व्हाई डिड यू डिसाइडेड ऑन शूटिंग स्पोर्ट्स एंड कितनी दिक्कतें आई आपको ये शूट करते हुए? नहीं, दिक्कतें तो खैर नहीं आई. शूटिंग स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म बनाऊंगा ऐसा करके नहीं शुरू करी थी. वो तो एक राइटर का एक विजन था, आर्यन सक्सेना जिन्होंने लिखी है कहानी, और शूटिंग एक भाग है पूरे उसका. जैसे देसी कट्टे टाइटल भी वहीं से आया कि ये दो बॉयज़ को हम देसी कट्टे रेफ़र कर रहे हैं. और शूटिंग चैम्पियनशिप के ऊपर पहली ये पिक्चर भी पहली थी, तो वो भी एक थोड़ा सा एक अच्छा लग रहा था कि यार ऐसी कोई पिक्चर बनी नहीं है जिसके ऊपर शूटिंग चैम्पियनशिप के बारे में बताई जाए. क्योंकि हमारे यहाँ पे अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, राठौर साहब बड़े बहुत हैं जिन्होंने जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, मगर उनके बारे में कभी कुछ बोला नहीं गया, बताया नहीं गया. तो एक बड़ी खूबसूरत सी एक कहानी थी जिसमें ऐसे एक स्पोर्ट के बारे में भी बताने की कोशिश करी. और ये स्पोर्ट्स के ये पूरी फिल्म स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं है, क्राइम और स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा मिश्रण है. और किस तरीके से हमने उसको ट्रीट किया है वो आपको फिल्म में नज़र आएगा. फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो किस तरह से फाइनलाइज़ किया आपने स्टारकास्ट? स्टारकास्ट को फाइनलाइज़ करते वक्त जैसे कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन मुझसे पूछा जा रहा है कि ज़िला गाज़ियाबाद में इतने बड़े स्टारकास्ट के बाद ऐसे क्यों पिक्चर. जब शुरू कर रहे थे तो एक्चुअली दिमाग में ये था कि ये कहानी जाके मैं फरहान अख्तर और शाहिद को सुनाऊंगा. पर जब एक वो जो क्वालिटी होती है कि यू नो ज्ञानी और पाली के बारे में बात करनी है, तो वहाँ पे मेरे को पता था कि ये मैं ज्ञानी पाली ये लगेंगे नहीं दोनों लोगों के, फरहान और शाहिद. तो उसके लिए वो जो एक फैक्टर था, जो सिंप्लिसिटी थी, जो इनका इनकी मासूमियत थी, वो मुझे नए लड़कों में ही चाहिए थी. और इतना पता हो लोगों को कि ये एक दो फिल्में करी हैं, ऐसे लड़के मैं ढूंढ रहा था. और अखिल मेरा काफ़ी पहले से मैं जानता हूँ, काफ़ी हम लोग बात करते रहते थे और ज़िला गाज़ियाबाद के टाइम से हम लोग काफ़ी बात कर रहे थे. तो उसको कहानी मैंने ये सुनाई, अखिल को पसंद आई. पहले अखिल ऑन बोर्ड आने का हुआ कि यार ये तो कर रहा है. तो उसके बाद बाकी फिर लड़कों के साथ बात करनी शुरू करी, तो ऐसे में जय मिले. साशा को मैं कई सालों से जानता था, तो ऐसे साशा उसमें, क्योंकि अपने इर्द गिर्द हम अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, अपने एक्टर्स जितने को जानते हैं, तो ऐसे में मेरे को वो साशा परदी के रोल के लिए बहुत बढ़िया लगी. फिर एक मेरे को थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ रोल के करती हुई, उसके लिए फिर मैंने थोड़ी R&D करी, तो पता चला कि टिया वाजपेयी बिल्कुल फिट होती है, तो उनको अप्रोच किया मैंने. अन्ना स्पोर्ट्स के कोच के लिए उनसे बढ़िया तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी है इस वक्त, तो अन्ना को लेके आए. एंड आशुतोष राणा आपको पता ही है कि क्या है, उनके बारे में तो जितना भी बोले कम है. तो ऐसे करते करते बड़ा अच्छा सा समीकरण बन रहा था, बड़ा अच्छी सी बातें हो रही थी. तो मेरे को ओवरऑल मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था ये स्टारकास्ट को लेके, मैं अच्छा काम कर पाऊँगा. इस फिल्म में आइडेंटिटी कार्ड से बिल्कुल अलग किरदार है, उसमें बड़ी पढ़ी लिखी सी और बहुत ही यू नो आउट लाउड लड़की है वो. इस फिल्म में बहुत ही मतलब एक तो इलिटरेट विलेज गर्ल है वो, बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है, बहुत सहमी हुई सी रहती है. और मेरा सबसे जो सबसे ख़ास चीज़ है मेरे किरदार की वो ये है कि इसमें 10 साल का ट्रांजिशन दिखाया है गुड्डी के कैरेक्टर का, कि वो पहले 16 साल की है, छोटी बच्ची जैसे दिखाया उसे, फिर उसे बड़ा होते दिखाया. तो मेरी एक खुद की जर्नी है फिल्म में यू नो अखिल के साथ, और पूरी एक जर्नी है गुड्डी की इस फिल्म में. सो वो बहुत अलग है और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको जो है शूट भी किया गया है. अच्छा शाशा, आपकी बात करें तो परिधि का किरदार किस तरह का होगा और कैसी लड़की है? परिधि का किरदार जो होगा वो बहुत ही बबली, बहुत ही स्वीट, बहुत ही एक इनोसेंट देसी गर्ल एट हार्ट का कैरेक्टर है. और वो फिल्म में एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं,
उनकी जर्नी जय भानुशाली के साथ है. बहुत ही एक अलग कैरेक्टर मुझे लगा था टू पिक अप आफ्टर डूइंग औरंगजेब. तो दैट इज़ द रीज़न मैंने देसी कट्टे की स्क्रिप्ट सुनने के बाद मैंने कहा ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें एक अलग ही कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा. औरंगजेब में बहुत ही एक मॉडर्न गर्ल का कैरेक्टर था, बहुत ही एक बोल्ड कैरेक्टर था. तो फ्रॉम स्पोर्टिंग अ बिकिनी टू देन गोइंग ऑन टू अ शलवार कमीज वॉज वेरी वेरी डिफरेंट एंड आई थॉट ऑडियंसिस को एक बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिलेगी. दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद देसी कट्टे. फिल्म में जो है काफी मंझे हुए कलाकार हैं जैसे सुनील शेट्टी है, जय भानुशाली, अखिल कपूर हैं, तो क्या कहेंगे उनके साथ, कैसा था? मंझे हुए इनको हम धोते हैं ना. लेम जोक. बहुत ही अच्छा लगा है सबके साथ काम करके. अन्ना के साथ शटअप. अन्ना के साथ बहुत मज़ा आया काम करने में क्योंकि मेरे बहुत सारे सीन्स उनके साथ हैं और बहुत ही सपोर्टिव थे सेट पे और ड्यूरिंग आ सीन्स बहुत ही गाइड करते थे कि अच्छा जस्ट यू नो टेक इट इजी, आराम से करो. क्योंकि एक वो था कि यू नो ही सुनील शेट्टी, तो एक इंटिमिडेशन भी फील होता था कि अगर मैं कोई गलत लाइन बोल दी या फिर से सीन करना पड़ा या समथिंग मे बी ही गेट अपसेट. बट ही वॉज नथिंग लाइक दैट. आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम एंड आई होप आई गेट टू वर्क विद हिम अगेन. अच्छा, आपकी बात करें तो आपका तीनों के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था यार. आई हैड थ्री लवली गर्ल्स विद मी, तो और क्या चाहता हूँ मैं, और क्या, व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर बॉस. बहुत ही मजा आया मुझे. हेलो लेडीज का. हाँ, मेरी गोपिया और मैं कृष्णा. शट अप, आई एम नॉट योर गोपिया. अच्छा, एक क्वेश्चन हम क्लॉडिया से पूछना चाहेंगे. क्लॉडिया, बलिया के बाद ये गाना आपने चूज किया, डिड यू, व्हाट काइंड ऑफ अ पोटेंशियलिटी यू सॉ इन दिस सॉन्ग्स, द बीट्स, बिकॉज़ इट्स अ वेरी वेरी यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉन्ग, नॉट वेरी यू नो मॉडर्न सॉन्ग व्हिच यू डिड बलमा. सो हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू टू परफॉर्म? एंड definitely after Balma I was looking for a song with a equally good potential. Once I went to Kailash Kher's studio and he made me listen, together with the director, of course, Anand Kumar, he made me listen Baatne Wali. I really got hooked into that song because it's really catchy, really peppy, and Rekha Bhardwaj had sung that so beautifully. So I really believed in the potential of the song. I really liked the idea of the Desi Kattey team because, of course, they changed entirely my look. From makeup, hair, I was wearing Gagra Cholle to, you know, tone down the makeup. So it was a great experience. It was challenging experience, and that's why I decided to do it, and that's why this is my second item song post Balma. Acha, peppy song ki do line ho jaye. I'm not a singer. I'm a dancer in that. I'm the performer in Patne Wali. And I think you should ask Rekha Bhardwaj to sing that line. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you.